जिस तरीके से सुबह से किसान बिल को लेके डाकबंगला चौराहे पे प्रदर्शन चल रहा था तमाम विपक्षी दल के पार्टियों के द्वारा, अब जो प्रदर्शन वो काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गया है। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है डाकबंगला चौराहे की। ऐसे में जो पुलिस है पूरी तरह से एक्शन में आ गई है, लोगों को हटाने का काम कर रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव कि कैसे पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच लगातार जो झड़प है वो जारी है। और पुलिस का कहना है कि अब यहाँ से प्रदर्शन नहीं कीजिए, प्रदर्शन बंद कीजिए, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं चाहे वो रालोसपा के हो, जाप के हो, राजद के हो, जो तमाम विपक्षी दल के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं कि जो महिला पुलिस है वो भी ट्रैफिक जो पोस्ट है जहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़े रहते हैं, जहाँ पे तमाम जो सड़कों के लिए सिग्नल देते हैं वहाँ पे खड़े हो गए हैं। लोग कार्यकर्ता पहुँच गए, उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। और लगातार जो यहाँ के मजिस्ट्रेट है उनका भी कहना था कि यहाँ पे आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये धरना प्रदर्शन का जगह नहीं है, उसके लिए एक जगह निर्धारित किया गया, वहाँ पर जाकर प्रदर्शन करें। लेकिन जो लोग हैं वो डाकबंगला चौराहे पर ही पहुँच गए हैं। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे विरोध प्रदर्शन देख रहा है और महिला पुलिस जो है तो महिलाओं को हटाने का काम कर रही है। तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं कि तमाम जो महिला कार्यकर्ता है चाहे वो विपक्षी दल के किसी भी दल के हो, तमाम जो लोग हैं उनको पुलिस हटा रही है जबरन। और लगातार जो मजिस्ट्रेट है वो भी कह रहे थे कि यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, ये धरना प्रदर्शन का जगह नहीं है। लेकिन जिस तरीके से विरोध जताया जा रहा था और पुलिस अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है और पुलिस लोगों को हटा रही, क्योंकि ये डाकबंगला चौराहा है, ये मुख्य मार्ग है जहाँ पे चारों तरफ से गाड़ियाँ आती है, उसको लेके जो लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है, तमाम जो ट्रैफिक व्यवस्था वो पूरी तरह से ठप हो चुकी थी। ऐसे में अब पुलिस थोड़ा सख्ती दिखाने पे आ चुकी है, क्योंकि लगातार जो तस्वीर सामने आ रही थी कि लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, गाड़ियों को रोक रहे हैं, तमाम जो लोग हैं उन्हें समस्या हो रही थी। ऐसे में अब पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर पुलिस बल जो है वो पूरा मौजूद हो चुका है और जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये धरना स्थल नहीं है, यहाँ पे आप धरना नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से प्रदर्शनकारी काफ़ी ज़्यादा से उग्र हो चुके हैं, पुलिस जो है वो अपने काम में लग चुकी है। लगातार डीएम हो या मजिस्ट्रेट हो उनका कहना था कि आप यहाँ पे प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो लगातार किसान कृषि बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तमाम विपक्षी दल सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे, केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा था। ऐसे में जो पुलिस है वो मौजूद हो चुकी है, सुबह से पुलिस मौजूद थी, लेकिन जैसे जैसे आदेश मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे पुलिस अपना एक्शन में आते जा रही है। देख रहे तस्वीर में कि कैसे यहाँ पे जो चेक पोस्ट है वहाँ पे तमाम पुलिस बल खड़े हैं और लोगों को हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो लोग हैं जो प्रदर्शनकारी हैं वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और जो बिल पास किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा उसको लेकर लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी था। सुबह से ही हम आपको अपडेट दे रहे थे कैसे यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन अब जिस तरीके से प्रदर्शन काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुका था, पुलिस भी काफ़ी देर से ढिलाई की हुई थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय होते जा रहा है, क्योंकि समय 3 बजे का निर्धारित किया गया था कि 3 बजे तक प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन एक धरना स्थल पर कर सकते हैं, लेकिन ये मुख्य मार्ग है डाकबंगला चौराहा, यहाँ पे चारों तरफ से गाड़ियाँ आती हैं, एक तरफ स्टेशन, एक तरफ गांधी मैदान है, एक तरफ इनकम टैक्स है जिधर से आप सगना मोड़ की तरफ बढ़ सकते, तो गाड़ियों का परिचालन है वो काफ़ी ज़्यादा रुक चुका था, तमाम जो रूट थे वो बदल चुकी थी। ऐसे में अब पुलिस को सख्ती दिखाने पे अब पुलिस खुद भी सख्ती दिखा रही है, क्योंकि लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है, लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में अब पुलिस सीधे तौर पे अब एक्शन मोड में आ चुकी है, लोगों को हटा रही है, समझा रही है कि आप हट जाइए, क्योंकि अब जो प्रदर्शन करना था आप कर चुके हैं, सुबह से अब लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में अब जिस तरीके से लोग नहीं मान रहे हैं तो पुलिस अब सख्ती दिखा रही है। हम भी अब तक तमाम अपडेट्स दे रहे हैं, इस बंद के जो भी खबरें हैं वो तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।